जब भी कोई चार्ज बॉडी अपनी स्पिन के अराउंड मूव करती है तो वह एज ए टाइनी मैग्नेट एक्ट करती है। जब इन मैग्नेट्स को हम विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही रखते हैं तो हमारे पास ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, दैट इज़ इनकी ओरिएंटेशन कुछ की ऐसी, कुछ की इस डायरेक्शन में, कुछ की ऐसी, एक रैंडमली ओरिएंटेड पड़े होते हैं। बट जब हम इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, सपोज हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये मैग्नेट की टू टाइप की ओरिएंटेशन पॉसिबल है। चाहे तो वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड को अलाइन करे, दैट इज़ उसी डायरेक्शन में, और कुछ हमारे न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टू ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, अलाइन कर रही हैं और अपोज कर रही हैं। जब भी कोई चीज़ किसी को अलाइन करती है तो वहाँ लो एनर्जी होती है, दैट इज़ पीसफुल सिचुएशन होती है, स्टेबिलिटी होती है। बट जब अपोज कर रही होती है तो अनस्टेबिलिटी होती है। हमें पता है स्टेबिलिटी मीन्स लो एनर्जी, दैट मीन्स जब हम किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमारे पास टू टाइप की ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। अगर कोई बिना मैग्नेटिक फील्ड के रख रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। अब इन टू टाइप ओरिएंटेशन से हमारे पास टू एनर्जी स्टेट बन रही है, लोअर एनर्जी स्टेट एंड हाई एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट जट इज हमारा जो मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल को अलाइन कर रहा है। हाई एनर्जी स्टेट हमारे पास वो अपोज कर रहा है। इस केस में हमारे पास सपोज ओरिएंटेशन जो हमारे मैग्नेट की, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की मूवमेंट क्लॉकवाइज है, इस केस में वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट, कोई भी चार्ज बॉडी अगर अपनी स्पिन के अराउंड मूव कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वो एज अ मैग्नेट एक्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, जब भी किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हमारे पास टू एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल हो जाएंगी। वन इज़ लो एनर्जी स्टेट, सेकेंड इज़ हाई एनर्जी स्टेट। थर्ड पॉइंट है, अब हमारे पास टू टाइप के ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो गए हैं, टू एनर्जी स्टेट्स आ गई हैं। अगर हम इन न्यूक्लियाई को इस एनर्जी गैप के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रेडिएशंस फॉल करवा दें, दैट इज़ जब ये एनर्जी गैप, सपोज हमारे पास ये एनर्जी गैप की वैल्यू ई है, अगर हम यहाँ पे कोई रेडिएशंस जिनकी एनर्जी ई है फॉल करवा दें तो क्या होएगा, हमारे जो न्यूक्लियाई है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाएंगे, दैट मीन्स इस स्पिन से इस स्पिन में फ्लिप कर जाएंगे। यहीं से हमारे पास एनएमआर का प्रिंसिपल आता है और एनएमआर स्पेक्ट्रा आता है, दैट इज जब इन रेडिएशंस को हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इरेडिएट करते हैं, रेडिएट मीन्स उन पे उस पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस फॉल करवाते हैं, तो हमारी जो न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में चले जाते हैं। दैट मीन्स जो हमारे न्यूक्लियाई हैं वो रेजोनेंस में आ गए, किसकी रेजोनेंस में आए, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उन पे डाली हैं। यही हमारे पास एनएमआर का प्रिंसिपल है, दैट इज न्यूक्लियाई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, NMR means nuclear magnetic resonance। जब हमारे न्यूक्लियाई जो कि एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहे हैं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम उनको रख देते हैं तो वो रेजोनेंस में आ जाते हैं। किसके साथ रेजोनेंस में, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो हम उन पे फॉल करवाते हैं, जिस वजह से हमारे पास लोअर एनर्जी से वो न्यूक्लियाई हाई एनर्जी में चल जाते हैं, हाई एनर्जी से वो वापस जब लोअर एनर्जी में आते हैं कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, वो रेडिएशंस हम एनएमआर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, डिटेक्टर की हेल्प से, एम्पलीफायर की हेल्प से ईजिली इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर लेते हैं और हमारे पास
उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के सिग्नल्स आ जाते हैं जिससे वो हमें हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड को करैक्टराइज करने में। दैट इज हमारे पास एनएमआर का क्या प्रिंसिपल है, जब भी हमने न्यूक्लियाई को इरिडिएट करा, किसके साथ इरिडिएट करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एनएमआर में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस यूज़ करते हैं, तो हमारे न्यूक्लियाई वो रेडिएशंस की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कब एब्जॉर्ब करेंगे, जब वो उन रेडिएशंस की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच करेगी इस एनर्जी गैप को, तो हमारे जो न्यूक्लियाई है लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट से हाई एनर्जी में फ्लिप करेंगे। दैट मीन्स वो न्यूक्लियाई रेजोनेंस में आ जाएंगे और हमें करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा देंगे जिसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमारे कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रम शो करते हैं, हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पर्टिकुलर ये कंपाउंड्स एनएमआर शो करेंगे, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रम शो करेंगे और ये पर्टिकुलर हमारे पास नहीं करेंगे। हमारे पास सबसे मेन कंडीशन है कि हमारे पास न्यूक्लियाई की रिजल्टेंट स्पिन होनी चाहिए। रिजल्टेंट स्पिन का मीनिंग है हमारे पास अगर वो सारी न्यूक्लियाई की स्पिन पेयर्ड अप हो जाते हैं, दैट मीन्स हमारे पास नेट कोई भी स्पिन नहीं बचेगी ना, तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स एनएमआर इनएक्टिव होंगे, एनएमआर में स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है कार्बन 12। इस केस में हमारे पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स सबकी स्पिन पेयर अप हो जाएगी और हमारे पास नेट रिजल्टेंट स्पिन जीरो आ जाएगी। दैट्स वाई हमारा जो कार्बन 12 है वो न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देती। इट मीन्स हमारे पास जो कंडीशन है उस केस में हमारे पास आइदर अटोमिक मास और अटोमिक नंबर अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑड है, चाहे तो हम दोनों में से एक चीज़ हमारी ऑड होनी चाहिए, अगर ऑड है तो वो हमारे कंपाउंड्स में एनएमआर सिग्नल्स देंगे और वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं प्रोटोन कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, फ्लोरिन 15, और हम कह सकते हैं ये ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल है, इसमें एटॉमिक नंबर ऑड है। ये हमारे पास बोरोन है, एटॉमिक नंबर ऑड है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर ऑड है, तो ये वाले न्यूक्लियाई भी हमारे एनएमआर एक्टिव होंगे। कार्बन 12 एंड कार्बन 16 हमारे पास एनएमआर इनएक्टिव होंगे क्योंकि इन दोनों केसेस में हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों ही हमारे कंपाउंड्स के इवन है। दैट्स वाई ये कंपाउंड्स हमें एनएमआर में सिग्नल्स नहीं देंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अभी हमने कहा अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है और उसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो हमारे पास टू टाइप की ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करें चाहे अपोज करें। जब भी टू टाइप की ओरिएंटेशन पॉसिबल है तो हमारे पास एनर्जी गैप आ जाता है। इस एनर्जी गैप को हमने डेल्टा ई से डिनोट कर लिया। अब ये जो एनर्जी गैप है हमारा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहले हमारा ये फैक्टर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगा उतना ये एनर्जी गैप हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड से और एग्जैक्ट हमारा रिलेशनशिप इसका डेल्टा ई का एनर्जी गैप का विद मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज गामा इंटू एच इंटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई 2π। गामा हमारे पास गायरो मैग्नेटिक रेशियो है, ये हमारे किसी भी मॉलिक्यूल की एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो है। प्रोटोन के लिए हमारे पास गायरो मैग्नेटिक फैक्टर कॉन्स्टेंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है, वो हमारे पास 26,750 होता है। एच नोट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होएगा हमारे पास उतनी ज़्यादा एनर्जी गैप ज़्यादा आएगा। सपोज़ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, सपोज़ मैं मॉलिक्यूल को ऐसे शो कर रही टू ओरिएंटेशन को ऐसे शो कर रही हूँ,
यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H1 है और यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H2 है. दैट मीन्स और हमारे पास जो H2 है वो ग्रेटर देन H1 है. हमने अभी बोला डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H0 के. अगर हमारे पास H2 की वैल्यू ज़्यादा है तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1 आ जाएगा. और हम यहाँ पे शो कर सकते हैं ये मेरे मॉलिक्यूल्स सारे न्यूक्लियाई रैंडमली ओरिएंटेड पड़े हैं. दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 है. इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द न्यूक्लियाई आर रैंडमली ओरिएंटेड. बट व्हेन आई अप्लाई सम मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. एट लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास एनर्जी गैप E1 को क्रॉसपॉन्ड कर जाएगा. यहाँ पे आप दिख रहे हो ना स्मॉल डिफरेंस है. एट हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मेरे पास एनर्जी गैप E2 को क्रॉसपॉन्ड कर जाएगा. दैट इज मेरा जो एनर्जी गैप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड. मोर इज द एनर्जी गैप मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड मोर विल बी द एनर्जी गैप बिटवीन टू ओरिएंटेशन बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स ऑफ दोज न्यूक्लियाई.